देखो इसकी सभ्यता की कैसे सपाटी आई है, समाज में पाश्चात्य संस्कृति की पहली छाया काली है। सोमवार ये धरती पूछती क्यों भूले तुम अपनी संस्कृति की, सोमवार ये धरती पूछती क्यों भूले तुम अपनी संस्कृति, कर पीछा ब्रिटिश राज का क्यों ढो रहे अपने संस्कारों की अर्थ। बदल चुका बहुत कुछ अभी, अब भी बहुत कुछ बदलना है। बदल चुका बहुत कुछ अभी भी, अब भी बहुत कुछ बदलना है। अस्त होते भारत के सूर्य को फिर से एक बार उदित करना है। आओ हम सब मिलकर लिब्रेट पूरे मन से, आओ हम सब मिलकर लिब्रेट पूरे मन से, अपने देश की संस्कृति को ऊंचा उठाएंगे, करेंगे ऊंचा संपूर्ण जगत में। नमस्कार, मैं दिव्या स्वामी विवेकानंद हाउस की ओर से प्रस्तुत एक लघु नाटिका संस्कार। चलिए देखते हैं, यह हमारे पड़ोसी वर्मा जी भारतीय संस्कृति के संवाहक दिव्य व्यक्ति और इनकी पत्नी तो साक्षात ममता की मूर्ति। इनके आज्ञाकारी और सुशील बच्चे जैसे कि सद्गुण की गंगा बह रही हो। और यह हमारे पड़ोसी शर्मा जी जिनके सिर पर विदेशी संस्कृति का भूत चढ़ा है। इनकी आधुनिक पत्नी एकदम लापरवाह है और इनके बच्चे सिर्फ जिद्दी और शरारती है। मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे भी भूख लग मम्मा मुझे पिज्जा खाना है। मम्मा मुझे पास्ता खाना है। मैंने बोल दिया ना इसमें सिर्फ पिज्जा ही आएगा, पास्ता आएगा। मम्मा मुझे पिज्जा खाना है। अब ये बच्चे बड़े होकर पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं। वर्मा जी के बच्चे जाते तो एक अच्छे पब्लिक स्कूल में हैं, लेकिन शर्मा जी के बच्चे एक ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ हिंदी बोलने पर जुर्माना, मेहंदी लगाने पर जुर्माना, बिंदी लगाने पर जुर्माना, और तो और भाषा की शिक्षा, संस्कृति, सोच सब कुछ हमारी सोच से बिल्कुल ही अलग। ये देखो पब्लिक स्कूल के बच्चों को कैसे बिंदी लगा रखी है। हमारे स्कूल में लगाए तो पनिशमेंट मिलती है। ये देखो कैसे मेहंदी लगा रखी है। ऐसा लगता है जैसे कीचड़ में से हाथ लगा करके आए हो। ए व्हाट्स योर नेम? मैं नंदिनी। मैं शिवा। हाउ डू यू डू? ओह दे डोंट नो इंग्लिश।
कमिंग। बच्चे बड़े हो गए थे और माता पिता बंधन मुक्त, पर दूसरे परिवार को
और भी ज्यादा। चलिए देखते हैं।
बेटा अगर मुझे पता होता तो विदेश जाकर इतने हार्टलेस हो जाओगे तो मैं तुम्हें विदेश कभी नहीं जाने देती। तुम समझने की कोशिश करो, तुम जल्दी आ जाओ। मॉम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो तो डॉक्टर्स करेंगे, मेरा और क्या काम। और आपकी तो इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, किसी को भी फोन करके बुला लीजिए। बेटा तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। देखिए विष्णु शर्मा, आपको दिल का दौरा है तो आपको अब कैसा फील हो रहा है? अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा डॉक्टर, अब क्या होगा? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है विष्णु शर्मा, मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना, कम से कम वेट उठाना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ज़्यादा ऑयली फूड मत खाना। और हाँ, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप टाइम टू टाइम लेते रहना, चेक कभी करवा। पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? क्या हमने मिलकर हमारे बच्चों के लिए सही निर्णय नहीं लिया, जिस कारण आज हम उनसे दूर हैं? हाँ, आज हमें हमारे बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत है और कहीं हमारे पास नहीं है। हमें अब हमारे बुढ़ापे में हमारी सहायता कौन करेगा? हाँ, आज मुझे प्रिंसिपल सर की कही हुई बात याद आ रही है। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था, पर मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, लेकिन आपने मेरी नहीं मानी और अब आप नतीजा देख